धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकजुट हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, पहला श्लोक, पुत्र मोह। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। 10 दिन तक का युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। अब धृतराष्ट्र बीते 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहते हैं। युद्ध के लिए एकजुट इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किस प्रकार और कब मारे गए। संपूर्ण गीता में यही एकमात्र श्लोक अंधे राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। बाकी सभी श्लोक संजय के कहे हुए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। राजा कुरु ने यहाँ बड़ी तपस्या की थी, जिसके कारण इसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। स्वर्ग के देवताओं के लिए ये भूमि तीर्थ स्थल है। यहाँ इंद्र आदि देवताओं ने तप किया था। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र भूमि का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा असर पड़े। वो ये भी जानता था कि इसका प्रभाव पांडु पुत्रों पर अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। बूढ़े और अंधे धृतराष्ट्र को अपने भतीजे पांडवों के साथ किए गए अन्याय का पता था। वह दोनों सेनाओं की शक्तियों को भी जानता था। दूसरी तरफ उसे अपने पुत्र की विशाल सेना की शक्ति पर विश्वास भी था। ये सब कुछ होते हुए भी मन ही मन उसे अपने दुष्कर्मों के अपराध का बोध अनुभव हो रहा था और युद्ध के अंतिम परिणाम पर भी उसे संदेह था। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था। उसके मन में पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वो दुर्योधन को ही अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। जो भाव भीतर होते हैं वो ही वाणी से बाहर निकलते हैं। इसी कारण धृतराष्ट्र को अपने कुल के विनाश का दुख भोगना पड़ा। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा सार्थक है। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, इसके विषय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र के सवालों का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं।